क्या है? अच्छा, वीडियो बनानी है? हेलो पीपल, तो कैसे हैं आप लोग? यार, मुझे बहुत दर्द हो रहा दिल में आज कि कैरी मराठी की जो वीडियो है वो डिलीट हो चुकी है। यार, अनफेयर है यार ये बात। बताओ, 70 मिलियन उस पर व्यूज आ चुके थे और वो वीडियो मैंने कितनी बार देखी है यार। मेरी हंसी नहीं रुकती थी उस वीडियो को देख के। वैसे आपको बता दूं कि कैरी मराठी के साथ साथ ना दो यूट्यूबर और हैं, उनकी भी वीडियो में कॉपीराइट आया है और वो टेक डाउन हो चुकी है यूट्यूब की तरफ से। बट ऐसा हुआ क्यों आपको लगता है? कैसा हुआ क्यों? स्टार्टिंग कहाँ से हुई है सब चीज़ें? यूट्यूब जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जो टिकटॉक पे जो फालतू की जो वीडियोस जो लोग बनाते हैं ना, फालतू की जो हाँ करते हैं, और एक दो और हैं, एक दो के कई हैं उसमें, तो मैं सबके नाम तो कैसे लूँ, बाकी आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसी जो फालतू की जो वीडियोस होती हैं ना, जिसपे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, दबा के लाइक्स आते हैं, लोग लाइक करते हैं ऐसी वीडियो को, ऐसी कॉमेडी को, यार ये किस तरह की कॉमेडी है? तुम्हें तो लगता है जो बंदा इतनी मेहनत करता है टिकटॉक पे, अपने कपड़े चेंज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, चलो मतलब मजाक में नहीं लेते, बट कपड़े चेंज करना भी, बार बार एक एक शॉट लेना भी, यार मेहनत तो है ही। मैंने भी खुद बनाई है, मुझे पता है। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि ऐसी वीडियोस नहीं चलती। वीडियोस सिर्फ कौन सी चलेंगी आपकी? जो फालतू की वीडियोस जिसपे कुछ नहीं है, लोग सड़क पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और एक बंदा, तो मैंने एक वीडियो मतलब देखी थी जिसमें एक बंदा गया अपनी गाड़ी को ऑन करता है, फिर वो स्लो मोशन कुछ कर देता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। हम खुद बैठे हैं यहाँ पे, हो सकता है। तो आपको बता दूं कि एक बंदा था, यूट्यूबर था जिसने ऐसी एक वीडियो पे ना एक रोस्ट किया था कि ऐसे ऐसे फालतू। तो कुछ 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 टिकटॉकर्स हैं, कुछ जो गर्मी में जो जैकेट पहनते हैं भैया वो वाले, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने वो बात दिल पे ले ली। मैं मानता हूँ कि उस रोस्ट में उन्होंने ये बोला था, जो जैकेट वाले जो भैया है ना, जो गर्मी में जो जैकेट पहनते हैं, उन्होंने ये बोला था कि उस रोस्ट में ना लड़कियों को बहुत आहत हुई है, लड़कियों के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, मैंने देखा है, बोला है, गलती है। रोस्टिंग में कहीं ना कहीं आप रोस्ट करते हो तो आपको पहले परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो वो जो गमछे वाले जो भैया है ना, जो गर्मी में जैकेट पहनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई एक उनके सपोर्ट में आके, तो उन्होंने एक वीडियो मतलब बना डाली। पहले उन्होंने एक वीडियो मतलब बनाई, IGTV एक वीडियो थी, फिर उन्होंने कुछ बोला होगा उस पर मतलब यूट्यूब वालों के लिए, फिर उनको लगा कि यार इससे कुछ हेट स्प्रेड हो रहा है, तो उन्होंने वो वीडियो हटा दी। फिर कैरी मराठी जो कि रोस्टर जो मतलब राजा है जो ऐसे बोलते हैं, तो उनको बोला कि यार आप रोस्ट करो इनके ऊपर। हालांकि कोई डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं थी, डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी, बट कैरी मराठी को भाई अपना काम करना ही था। उसने बोला चले यार मैं भी एक रोस्टिंग इन पे वीडियो मतलब बना देता हूँ, तो एक रोस्टिंग वीडियो बना दी। तो उसमें कई सारी बातें बोली हैं उसने, ऐसा कुछ बोला है। तो देखो, पब्लिक को आजकल मजाक देखना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। उस रोस्टिंग वीडियो में मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट उस रोस्टिंग वीडियो में कई सारी चीज़ें ऐसी थी, अगर कोई मुझे बोलता तो शायद मुझे भी बुरा लगता। बट अब वो जाने कि उन्होंने परमिशन लेके बात करी है या कैसे वीडियो बनाया है, वो उनकी कॉल है, उन्होंने कैसे किया था। तो अब बात करते हैं कि जब ये रोस्टिंग वीडियो बनी, वीडियो बनने के बाद वो जो गर्मी में जो जैकेट पहनते हैं ना वो वाले भैया, उन्होंने जब वो IGTV जो वीडियो है उनकी, जब उन्होंने टेक डाउन कर ली थी, फिर जब रोस्ट बना, रोस्ट बहुत चला उनका, 70 मिलियन व्यूज़ आ गए कैरी मराठी के रोस्ट के ऊपर। उसके बाद आमिर सिद्दीकी पे काफ़ी कमेंट्स आने लगे कि आमिर सिद्दीकी जो लोग उसको पसंद भी करते हैं आमिर सिद्दीकी को, शायद वो भी उसके अगेंस्ट हो गए होंगे उस बात के लिए, क्योंकि कैरी मराठी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आमिर सिद्दीकी जो है ना जैकेट वाले भैया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और वीडियो डाली थी, आई थिंक कल 11 बजे, कि वो सॉरी बोल रहे हैं कि उन्होंने उस वीडियो में यूट्यूबर्स के बारे में, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला, सबके बारे में नहीं बोला, सॉरी, उन्होंने यूट्यूब में कुछ लोगों के बारे में मतलब बोला। वो कह रहे थे कि मुझे सोचना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना हेट स्प्रेड हो सकता है, तो मैं आप सॉरी मतलब बोलता हूँ, लेकिन
मैं सिर्फ कुछ लड़कियों का सपोर्ट कर रहा था इन सब चीज़ों में, कि मैं सपोर्ट कर रहा था कि लड़कियों को ये बोला वो बोला, और इसी पे उन्होंने एक हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग के नाम से उन्होंने एक हैशटैग भी मतलब बनाया था कि कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो आप इस पे डालें, वो हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग पे आप ये चीज़ डाल दें, तो इससे क्या होगा कि ये भी एक हैशटैग मतलब बन जाएगा। तो अगर कुछ भी ऐसा इन फ्यूचर होता है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है आपके साथ, तो आप उस पर हैशटैग करके मतलब डाल सकते हैं, तो आगे जो भी कम्युनिटी जो भी अपना एक्शन लेगी वो लेती है। फिर इसके बाद काफ़ी चला, ठीक है, आमिर सिद्दीकी ने जो बोला, जो गर्मी में जो जैकेट पहनते हैं भैया वो वाले, तो उन्होंने अब हमें, तो फिर हम मतलब देख रहे थे कल रात को, भाई मैं 2 बजे उठा तो मैंने देखा यार लोग तो वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर कि कैरी मनाटी का जो वीडियो है डिलीट हो गया, और भी एक दो जो मतलब यूट्यूबर जो पहले मैंने नाम लिया था उनके भी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ चुकी है, और ये एक कोर्ट का मतलब कोर्ट के थ्रू हुआ है कि मतलब उन्होंने जो कोर्ट के थ्रू जो उन्होंने ये सब कांड करा है कि जी कोर्ट में गए हैं, उन्होंने बोला है कम्युनिटी वालों को गूगल वालों को कि आप ये वीडियो को डाउन करें अभी के अभी, क्योंकि बहुत इससे हेट स्प्रेड हो रहा है और बहुत उन्होंने अपने दिल पे बात ले गए। तो इसी वजह से अब आई थिंक 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो 7 करोड़ यार कम नहीं होते हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के एक तरह से आप लगा लो कि अगर 5-6% भी लोग आप एक बंदे की वीडियो देख रहे हैं तो वो कितना फेमस हो सकता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ पे क्या है कि कैरी मनाटी की इस वीडियो पे अब कई यूट्यूबर्स उन पे भी बना रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला, साइबर बुलिंग सही कह रहा था, मतलब आमिर ने बोला कि साइबर बुलिंग हुआ मतलब हुआ है तो आप गाली नहीं दे सकते। कई यूट्यूबर हैं ऐसे, आप देखेंगे यूट्यूब पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो यार आपको एक बात बता दूं, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, न्यूज़ कब तक देखोगे, डेली कोरोना 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 कोरोना, कोविड 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 कोविड, ये वो लॉकडाउन यही चलता है बस। लोगों को इस टाइम पे क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी वीडियोस। अब किसी ने किसी चीज़ के ऊपर बना दी, तभी तो 7 करोड़ लोगों ने देखी। अब 7 करोड़ लोगों ने देखी, कैरी मिनाटे लास्ट में ये भी मतलब बोला था कि मेरे तरफ से कोई, और उनका एक डिस्क्लेमर भी है कि मेरे तरफ से किसी को कोई हेट स्प्रेड करने का कोई इरादा नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये वीडियो बनी है, दैट्स इट। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं मेरी तरफ से, बट स्टिल वो वीडियो भी डाउन हो चुकी है। अब आई थिंक मे भी शायद जो जैकेट गर्मी में जो जैकेट पहनते हैं वो भैया वो शायद थोड़ा सा खुश हो रहे होंगे, तो होने दो यार कोई बात नहीं। वीडियो डाउन हुई है तो और भी मतलब वीडियोस मतलब बनेंगे, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये अब सबको एडवाइस करता हूँ कि रोस्टिंग में आप, ठीक है, आप किसी को इतना कुछ मत बोलो, कॉमेडी का रोस्ट बनाओ, ठीक है। बाकी मैं इस चीज़ पे मैं किसी के साथ हूँ भी और नहीं भी, एक बंदा अपने प्लेटफॉर्म पे ठीक है तो एक बंदा दूसरा बंदा अपने प्लेटफॉर्म पे ठीक है। तो आगे अगर कोई भी वीडियो आती है ना, अब जैसे कोई भी इनका रिएक्शन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे ना, तो हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। मे बी शायद आपने और लोगों को सब्सक्राइब करा होगा, अगर आप मुझे भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आप कर लें, और मेरी जो भी और भी मतलब वीडियोज़ हैं जो भी कोई रिएक्शन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, चाहे मैं लेट सवेर बताऊँ लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर। थैंक यू।